अमेरिका देश कह रहा है भारत के अंदर रेम के माध्यम से गड़बड़ी हो रही है। चोर है, चुनाव चोर है, ईवीएम से जीतते बैठ कर जीतते फैसले गलती है, चुनाव जनता चुनाव लड़ती है। नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, पेट पलने के लिए नौकरी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए। मेरा वोट का अधिकार पता चलेगा, मैं अपने मुझे पता चलेगा लेकिन चार सौ पार कहा जा रहा है, किसी कह रहा चार सौ के पार। अरे कोई पार नहीं होने वाला, कोई नहीं। इस देश के सारे वकील बात सुनो, सारे वकील इस देश के धरने में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील है बाबू प्रताप जी, इन्होंने ये यहाँ करके बताई जनता को परगलाने का काम कर रहे हो आप लोग, जनता को परगलाने का। हम जनता को परगलाने का काम नहीं कर रहे, जनता जाग चुकी है और जनता जाग चुकी है, जनता को कोई रोक नहीं सकता। अरे ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो तानाशाही हो गए भैया। आप मीडिया वाले क्या कर रहे हो, अरे पूछो ना किस कारण रहेगी 2050 तक। मोदी जी की गारंटी बता रहे हैं जो 2 लाख नौकरी नहीं दे सका। अरे क्या कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं बताओ, कौन सी तरक्की की आप लोगों, आप मीडिया वाले बताओ मेरे को। 25,000 किसानों को पूरा देश खाली कर रहा है, पूरा आरक्षण खत्म हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अरे इस देश के अंदर 200 रुपए किलो दाल जा रहा है। हम लोग तक बचाने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के दायरे में रहकर चलने वाले लोग हैं और इसका कारण है इसका। अरे मैं लड़ने वाला हूँ, मैं चुन के आऊ मेरा तो आप कर देखो। अरे वीएम तो कांग्रेस ने भाई और आवाज उठाया था बीजेपी ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने, और सुब्रमण्यम स्वामी ने जापान गए और जापान से उन्होंने वीएम का भांडा फोड़ने वाला सारा माइक्रोचिप सेक्टर वो पूरा लाया और उसका पूरा बायोडाटा सुप्रीम कोर्ट को दिया था सुब्रमण्यम स्वामी ने। आप उनका इंटरव्यू लो, आप नेट पे भी हो उनका इंटरव्यू है। कितने होना, अमेरिका के लोग कह रहे हैं, अमेरिका देश कह रहा है भारत के अंदर वीएम के माध्यम से गड़बड़ी हो रही है। इन्होंने समझ जाओ लेटर भी भेजा है भारत, अमेरिका ने भारत के लिए हमेशा भारत क्या बोल रहा है वो क्या कह रहे हैं। अरे आप लोग इतने अंधे भक्त हो जाओ, इन लोगों को देखो, इतने लोग आए हैं इनको देखो, इतने अंधे भक्त क्या है इधर बोल रहा, सब सही चल रहा है। अरे लोगों के सामने लाओ, अरे 140 और की जनता बोल रही है, सारे नहीं चाहिए। अरे आप भी बहुजन हो, मीडिया वाले भी बहुजन हो, तुम्हारी इससे की लड़ाई हम लोग है, हर देश से कोने कोने से आए हैं यहाँ पे, कोई छोटी बात नहीं है। और हो रहा है ये कम से कम, अरे इन लोगों ने हमारी ट्रेन वाले बंद करके रखी है, महाराष्ट्र से जहाँ भी से ट्रेन आ रही है ना सारी ट्रेन बंद करके रखी है। और ट्रेनों को 10-10 घंटे लेट किया है। अच्छा आपको लगता है 24 का चुनाव जो है क्या ईवीएम जो है बैलेट पेपर फोड़ेंगे मोदी की सुन लेंगे सुनना चाहिए। देखो मोदी जी के पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, ये जनता उनके बच्चे हैं तो उन्होंने सुनना चाहिए कि पहले पेपर से होना चाहिए। हर मुद्दे चुना सुप्रीम कोर्ट को मालूम है, यू लोगों को कहा पारदर्शी होना चाहिए, वी पैट की 100% मिलान होना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रही है पूछा। रो भाई चुनाव आयोग का सब कर रहे हैं। हाँ
देखो हमको उसके पूरे देश के लोग उतरेंगे आप, हमारे को हमारे बहुजनों को जब जब आवाज निकली इन्होंने मीडिया के माध्यम से दबाने का काम किया, अब दबने वाली नहीं है। संविधान ने अधिकार दिया और संविधान के अधिकार से हम लोग, आप मोदी के विरोधी है कि ईवीएम? मैं मोदी का विरोधी नहीं हूँ, मोदी रखा हुआ है आपके घर में। अरे देखो देश का प्रधानमंत्री है, अरे माध्यम से चलना चाहिए, मगर वीएम में जो घोषणा देखो अपक्ष सरकार 2024 में अपक्ष सरकार होना चाहिए, किसी की सरकार नहीं होने। देखो नेशनल लेवल की 8-8 पार्टियां की है, हमारे 85 तक लोगों की एक भी पार्टी नहीं है। बताओ क्या है सी एस टी ओबीसी किसी पार्टी है? आप ईवीएम का मुद्दा ले रहे हो तो 85% तो राम मंदिर पे हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर राम मंदिर के विरोधी नहीं है, वो भी चीज हम राम मंदिर के विरोधी नहीं है, हम वीएम विरोधी है। वीएम को हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, शिक्षा बचेगी, नौकरी बचेगी, फिर खाजीकरण होगा, आपके पिताजी नौकरी में होंगे उनको 40,000 पगार मिलेगा, फिर कंपनी का ठेका लेगा, आपके बाप को 10,000 पगार दिया जाएगा और आपके बाप को घर जाना पड़ेगा, कंपनी 4 दिन रखेगी। जनता तो मंदिर लेके खुश है ना? अरे मंदिर में तो ब्राह्मणों का पेट पड़ रहा है, हमारा पेट नहीं पड़ रहा है, ये लोगों के घर ईवीएम चोर है, मोदी चोर है, चुनाव चोर है, ईवीएम से जीतते बैठते ये जीतते 100 सीटें उनकी, पूरे ईवीएम 100 सीटें है, बैठ से करवाओ। विपक्षी पार्टी समर्थन में क्यों नहीं आप लोगों के? विपक्षी पार्टी समर्थन में क्यों नहीं आप लोगों के? कब कब गया? कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वहाँ पार्टी है समर्थन में क्यों नहीं? समर्थन में है, कल राजनाथ सिंह आ रहे थे ना एमपी जो सुन रहे, सड़क पर साफ क्यों नहीं कर रहे? सड़क पर बोल रहे, वो सड़क पर बोल रहे, घर में नहीं बोल रहे, हम भी बोल रहे हैं, समझे? अरे तो जनता थोड़ी ना चुनाव लड़ेगी, जनता है लड़ती है चुनाव, जनता चुनाव लड़ती है, और मोदी लड़ता है चुनाव। अरे इतना अच्छा काम कर रहे, विकास कर रहे, क्या करें देश, क्या विकास है, क्या विकास देश भेज दिया, रोड भेज दी, बेल भेज दी, एयरपोर्ट भेज दिया, सब कुछ भेज दिया, क्या विकास किया है? 2003 तक 5 ट्रिलियन पार कर जाएंगे। हाँ, पांच झूठे, सब झूठा, सब झूठा, 2045 तक मोदी कह रहे हैं। हाँ मोदी कह रहा है, अरे वो मोदी जो अपनी लाख जो है बागवानी करवाई, वो मोदी नहीं करवा दूंगा, मोदी जनता ही मांग रही है, जनता ही बोल, मोदी जी जनता ने दिया ईवीएम में। हाँ ये करते ना ना वो